ये डल गए ऑक्टेन बूस्टर्स। ओके, अब तो व्हील ही रुकेगी नहीं भाई साहब। 390 कि कल मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द गो मैं वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए बहुत जल्दी से आज आपके लिए एक रॉ वीडियो बना रहा हूँ, एक छोटा सा मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ, जिसमें अभी मैं निकला हूँ साउथ दिल्ली से और टूवर्ड जा रहा हूँ मैं पटेल नगर। मेरी एक ऑफिशियल मीटिंग है, बोले तो जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा काम है आईटी से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग में एक मीटिंग है 4 बजे की, तो अभी 3:30 हो रहे हैं। आई होप 30 मिनट्स में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, एंड मीटिंग अगर अच्छी होगी तो भले भले, नहीं तो अपना काम चले चले। आई मीन टू से आफ्टर द मीटिंग आई हैव टू गो टू करोल बाग, बिकॉज करोल बाग में बबू बाजी आएंगे, वहाँ पर किसी से उन्होंने एसेसरीज लगवानी है बाइक के ऊपर में, तो हम लोग बाइक एक्सचेंज करेंगे। वो मेरी ड्यूक चला के लाएंगे ऑरेंज कलर वाली और मैं उनको इनकी बाइक रिटर्न कर दूंगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अभी मोटो व्लॉग सेटअप मेरा बिल्कुल नया वाला है, मैंने गोप्रो की नई केसिंग लगाई है, मेरा ऑडियो अडाप्टर जो है वो ख़राब हो गया था, तो अभी मैंने अपने फ्रेंड से लिया हुआ है टेम्परेरली और अपना नया ऑर्डर कर दिया अमेजोन से, वो भी 3-4 दिन के अंदर में डिलीवर हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ, कितने बेकार प्रोडक्ट्स हैं गोप्रो के, जस्ट इमेजिन। GoPro Hero 6 हैंग होता है, GoPro Hero 7 हैंग होता है और इसका ऑडियो अडाप्टर इतनी इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है। बहुत सारे केसेस मैंने सुने अपने सर्कल में, जितने भी दोस्त मेरे YouTube पे हैं सब यही कंप्लेंट करते हैं कि रिकॉर्डिंग होते होते ना ये हैंग हो जाता है, इसकी लाइट्स ऑन रह जाती हैं, डिस्प्ले ऑन रह जाता है, बट रिकॉर्डिंग रुक जाती है और उसको ठीक करने का प्रोसीजर बहुत लंबा है। हमें हेलमेट उतारना पड़ता है, सारा माउंट खोलना पड़ता है, उसके बाद बैटरी को बाहर निकाल के दोबारा लगाना पड़ता है। सो यार, GoPro इतनी बड़ी कंपनी हो, इतना पैसा आप एडवर्टाइजिंग पे लगाते हो, अपना प्रोडक्ट एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, ये जो बग है ना इसको ठीक कर लो प्लीज़। खन्ना जी आज मुझे पूरा गर्लफ्रेंड वाला फील दे रहे हैं, ऐसे पकड़ के बैठे हैं पीछे से मुझे। इतना रोमांटिक सा रोड है, सुंदर सुंदर सुहाना सुहाना मौसम है, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में सनसेट हो जाएगा, तो कह सकते हो चिल वाला टाइम है अभी तो ऐसे, बट दिल्ली में गर्मी आ चुकी है। आज दोपहर बहुत गर्म थी, 12-1 बजे, इट वॉज डैम हॉट क्रेजी। 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, लेट्स गो। फिर भी एक चीज़ है गाइस, अभी एक सुनहरा मौका है, जिन जिन लोगों ने कैलेंडर लेने का सोचा था और नहीं लिए हैं, हमने वेबसाइट में होली के मद्देनज़र बेसिकली होली वीक के लिए 5 दिन के लिए डिस्काउंट्स लगाए हैं, ह्यूज डिस्काउंट्स, ऑलमोस्ट हाफ रेट कर दिया है मोस्ट ऑफ द आइटम्स। तो फटाफट आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को जाके चेकआउट करो, जो सामान अच्छा लग रहा है खरीद लो, और स्पेशली कैलेंडर्स। दोस्त हट जा, क्या कर रहा है, ओए लुक एट दिस, वाओ, जहाँ मैं जाना चाह रहा था वो आ गई है जगह। तो फटाफट करते हैं वीडियो यहीं पे ही पॉज, बोले तो आके कंटिन्यू करता हूँ मीटिंग के बाद। अभी टाइम हो गया 3:57, ऑलमोस्ट सही टाइम पे पहुँचा हूँ, 4 बजे की मीटिंग थी, मिलते हैं आपसे 1.5 घंटे के बाद, बाय बाय। सो मेट्रो ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ, ऊपर से मेट्रो जा रही है, अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है, थोड़ी थोड़ी धरती कांप रही है। एनीवेज आई एम आउट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग रही बहुत बढ़िया, अभी शायद 5:30 हो रहे हैं, यस 5:25, तो मीटिंग हो गई बहुत बढ़िया से। अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से करोल बाग, और एक और अच्छी बात है कि अतुल बहल यहाँ पे आया हुआ है अपनी बाइक में कुछ काम करवाने के लिए। अभी अभी मैंने कॉल रिसीव किया, आई टोल्ड हिम कि मैं भी करोल बाग के लिए आ रहा हूँ और बबू बाजी भी आ रहे, तो वहीं मिलते हैं और इन्जॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल इवनिंग। और हो सकता है कि इन बिटवीन में हॉट लूँ अजिताभ पाजी के घर पर, क्योंकि वो भी पास में रहते हैं, उनसे मिलने का दिल कर रहा है। सो अगर हुआ तो आपको दिखाएंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा टूवर्ड्स करोल बाग। भाई देखो, होली का सीजन है, गुब्बारा पड़ना तो बनता ही था, तो ये मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं अमिताभ पाजी का, तो हमने सोचा एक बच्चा हमें दिख गया, हमने कहा भाई फटाफट गुब्बारा मार दे, एंटर लगा दे। एनीवेज सीन ये है, यहाँ से हम लोग कट्ठे जाएंगे करोल बाग की तरफ, और बात करते करते देखो कौन आया, टेनार वाले पाजी स्कूटर पे। सो ये है वर्ल्ड फेमस एनवी, जिसको मैं चलाऊंगा, और स्टार्ट करेंगे खन्ना जी किक मार के। किक मारो सर, किक मारो जोर लगा के, ओहो 1 किक स्टार्ट। चलो जी, बहुत बहुत सालों के बाद मेरे हाथ लगा है, उछल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, विली लग गई, ओह यार क्या पावर है मैन। ये जनरली होता था बचपन में, ऐसा ही होता था,
हर गियर पे स्कूटर उछल जाता था, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा ना, फर्स्ट गियर पे तो उछलता ही था, पक्की वाली बात है। खन्ना जी फिर मेरे पीछे बैठे हैं, इनकी जान सूख गई। खन्ना जी आर यू रेडी फॉर द व्हीली? नो भाई प्लीज नो। आर यू रेडी फॉर द व्हीली? नो नो नो। यस यस यस। ओह ओ भाई साहब, ओ मैन, मतलब सीरियसली बचपन की आदत ताज़ा हो गई यार, क्या मज़ा आ रहा है। लोग ऑटो में से निकल निकल के देख रहे हैं, क्या बात है, मतलब क्रेजी क्रेजी एक्सपीरियंस मैन। इससे निम्बल मशीन मैंने कभी नहीं चलाई है, फुल ऑफ लोडेड टेक्नोलॉजी, 3 ट्रैक्शन कंट्रोल है, फुल ABS है, ऑन ऑफ हो सकता है, और भी जितने फीचर्स होते हैं, मतलब बिना क्लच दबाए ऊपर नीचे, मतलब सारे फीचर इसके अंदर में है। इससे एडवांस चीज़ इंडिया में कभी बनी नहीं है। और देखो क्या बैलेंसिंग है, क्रूज कंट्रोल भी लगा हुआ है इसके अंदर, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया। सीरियसली मैन, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द पास्ट फॉर द फ्यूचर, NV। सो बहुत एक्सक्लूसिव लोकेशन पे हम लोग गए थे शूट करने के लिए, बी रोल्स लेने के लिए, ट्रैकिंग शॉट्स लेने के लिए। अब लेने के बाद हम पहुंच गए करोल बाग, मेरे राइट में है बहुत ही फेमस स्टैचू और मंदिर और टेंपल ऑफ द फ्लाइंग गॉड हनुमान जी। रियली? ओ मैन, डिड यू सी दैट गाइस? बच गया बाल बाल, अभी चोट लग जाती मेरे राइट हैंड में या पैर में। बंदे ने दरवाज़ा खोल दिया भाई। ओ मैन सीरियसली, थैंक गॉड बच गए। अभी कल रोड ट्रिप पे जाना है, नहीं तो चोटें लग जाती खाम खा की। क्यों भैया जी, सही बंद हो गया? अपना टाइम आ गया, अपना सिग्नल खुल गया, धूम धूम। अब हम ग्रैंड एंट्री मारते हैं, धूम धूम। व्हाट्स अप लवली पीपल, भाई ये बहुत एक्सक्लूसिव सी चीज़ है, क्या हाल है भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो ये हम आज विंटेज क्लासिक चीज़ लेके आए हैं, ठीक है। इसमें इतने फीचर्स है जो आजकल की भी मोटरसाइकिल में नहीं है, सेंटर स्टैंड, ऑटोमेटिक, इसमें आप हवा भी भर सकते हो आगे के टायर में, पीछे के टायर में, और गोल्ड विंग जितनी स्पेस है, यहाँ पे सामान डालो, यहाँ डालो, पीछे डालो, और भी लगा लो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, ठीक है। 3 ट्रैक्शन मोड है इसके अंदर में, ABS ऑन ऑफ है, ठीक है, और 3 पावर मोड है, टॉप ABC। सत श्री अकाल जी, की हाल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है, अप एंड डाउन, अगर पैर नीचे नहीं पहुंच रहे हैं बटन दबाओ ऊपर और नीचे। हम बॉल साथ में बैट भी लेके घूम रहे हैं, हमने कहा जहां दिल करेगा वहां क्रिकेट खेलेंगे। वैसे बाजी मेरा ना प्लान चेंज हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कल इस पे चला जाए, खूब मजा आएगा। ओए ओए ओए। सो गाइस हमारा काम हो गया है जाना पे, थैंक यू प्रीत भाई, फिर मिलेंगे। तो मैंने पीछे में जो सैडल स्टैंड है वो लगा लिया, बाबू पाजी ने लगा लिया, रोड ट्रिप की तैयारी है। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही स्ट्रांग है। क्या लगा लिया? व्हीली प्रोटेक्टर, सही है, व्हीली लगे तो पीछे टेल लाइट जमीन पे ना लगे, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन यहाँ कर दी है। सो मैं चलाने वाला हूँ दोबारा से द वर्ल्ड फेमस LML NV, द सुपर स्कूटर फ्रॉम अजिताभ सिंह एंड कंपनी, जो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसको टेढ़ा करना पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ढीट है, कुछ पुरानी मेमोरी। हाँ ये तो सही बात है, वाह मजा ही आ गया, 1 किक स्टार्ट है। Awesome, मजा ही आ गया भाई साहब, सच में सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। ये सब होता था बचपन में, सीरियसली ऐसे ही होता था, बिल्कुल डिट्टो। आई जस्ट होप कि अजिताभ पाजी बुरा ना मान रहे हो, क्योंकि उनके स्कूटर का बैंड बजा दिया, एक तो ओवरलोड कर दिया, 2 बंदे बैठ गए। उतरो जी, थोड़ा वेट कम करो, CNG आ गया है, ये डल गए ऑक्टेन बूस्टर्स। ओके अब तो व्हीली रुकेगी नहीं भाई साहब, जो इस स्कूटर में पेट्रोल डलता है वो तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। हाँ पता है इनको भाई साहब को, 101 ऑक्टेन चलता है ना, 99 तो आ चुका है, 93 आ चुका है। पाजी थाईलैंड जाओगे ना, 2 लीटर पेट्रोल ले आना सुपर स्कूटर के लिए, 101 ऑक्टेन, ठीक है। सीरियस हो गए, इतनी पब्लिक है रे बाबा, क्या बोलती रे पब्लिक, ए हवा आने का, बाजू बाजू बाजू। ओके सो हम लोग आए हैं यहाँ पे पंजाबी चांप कॉर्नर, चांप खाने, यू नो सोया चांप, एंड लॉट ऑफ वैरायटी फॉर द चांप अमिताभ पाजी लेके आए हैं, और हम लोग पीछे पीछे फॉलो करते करते आए हैं।
ऑलराइट, सो वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स ऑफिस। अतुल अकंपनी कर रहा है हमें हमारे ऑफिस तक, क्योंकि हमें कुछ काम है ऑफिस में। आफ्टर दैट ही लीव फॉर हिज होम। ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन गया, काफ़ी मज़ा आया। आई होप गाइस आपको भी मज़ा आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगली वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अनटिल देन, साइनिंग ऑफ जेसन विद खन्ना जी सिटिंग बिहाइंड, बाय बाय। Oh, 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 oh